तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूँ आपका अपना लकी सिंह भाटिया और आ गए नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग काइट कैचिंग करने वाले हैं। देखिए ये रही अपनी पतंग, और पतंग हमने मीडियम साइज़ की ली है। और यहाँ पे देखिए हमने ये सर्दी की इस तरीके से गांठियाँ बना ली है, नॉट्स लगा लिए हैं। आप चाहें तो इसमें मंजा लगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। और आप लोग को एक बात मैं बता दूँ कि आज हवा काफ़ी कम चल रही है, ज़्यादा नहीं उड़ रही है, पीछे से थोड़ी बहुत ही उड़ रही है। तो पतंग को हम लोग पार कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आप लोग को जो भी कट के आएगी और पेच नहीं लड़ाएंगे आज, और जो भी कट के आएगी वो आप लोग को फिर लपेट करके दिखाएंगे। हवा काफ़ी कम है, कुछ भरोसा नहीं कब रुक जाए हवा। तो चलिए पतंग को कर लेते हैं पार। और यहाँ पे देखिए हमारी पतंग होती हुई पार, और चेक कर लेते हैं। देखिए मैं खींच करके देख रहा हूँ, ढल नहीं रही है, बिल्कुल सही पतंग चल रही है, और गोल भी अच्छी घूम रही है। इसीलिए हम लोगों ने गन्ने छोटे रखे ताकि गोल अच्छे से घूम जाए, और थोड़े से आगे को रखे गन्ने। तो अब फटाफट से पतंग को लंबी कर लेते हैं थोड़ी सी, जितनी भी हो पा रही है, क्योंकि हवा काफ़ी कम है, और फिर लपेट के आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कुछ ऐसा हो गया मौसम, अभी हवा एकदम बीच में बंद हो गई, उसके बाद कोई पतंग आई नहीं इस तरफ कट करके। आंधी जैसा देख लीजिए मौसम बन गया, कितने काले बादल आ गए, लेकिन पतंगें अभी भी कुछ कुछ उड़ रही हैं। वो भी वो देखिए आप लोग को एक दिख गई होगी, दो तीन ही पीछे की तरफ यहाँ पे उड़ रही हैं, और अब सब नीचे कर रहे हैं पतंग अपनी धीरे धीरे, क्योंकि बहुत तेज़ आंधी आने वाली है। और वो देखिए वहाँ पर एक बहुत बढ़िया पेच काटा, और ये तो काफ़ी आगे निकली गई क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ है। तो फिर अब कल देखते हैं कि कोई हम लोग लपेट पाएंगे या नहीं, और हो सकता है ये इधर आ भी जाए पतंग कट करके। तो चलिए फिर देखते हैं कल अब क्या होता है, आज तो यहीं पे बंद हमारी पतंगबाजी। और दोस्तों कल तो तूफान आ गया था, इस वजह से हम लोग ने पतंग उतार ली, और कल कोई भी नहीं लपेट पाए। और यहाँ देखिए आज काफ़ी अच्छी हवा चलती हुई, कल के मुकाबले उल्टी हवा चलती हुई। कल जिस तरफ को थी उसी की तरफ उल्टी चल रही है हवा आज कुछ। ये देखिए यहाँ पीछे अभी ये दो पतंगें बढ़ रही हैं, और हवा मैं आप लोग को सामने झंडे पे दिखा दूँ और पेड़ पे दिखा दूँ, देखिए काफ़ी तेज़ आज हवा। तो आज अब हम लोग अपनी पतंग पार करते हैं वही वाली जो कल थी, और फटाफट से बढ़ाते हैं, और पीछे पेच लड़ रहे हैं तो उन लोग की पतंग आप लोग को लपेट करके दिखाएंगे। ये देखिए ये रही अपनी पतंग, और यहाँ पे दोस्तों देखिए एक हम लोग लपेट करके ले आए। बस मैंने कुछ नहीं किया, नीचे से गए गोल घुमाई, और ये अचानक से उसकी पतंग टूट गई मेरे राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा आगे, तो इसीलिए मेरे को फटाफट ले जाने पड़ी। वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला, बस मैंने यही किया, नीचे से गए और हल्की सी मैंने ऊपर खड़ी करके गोल घुमा दी, बस और कुछ नहीं किया। और यहाँ देखिए कन्ने से अटका करके हमारी पतंग, ये पन्नी वाली पतंग ले आई है, देखिए पन्नी वाली पतंग भारी है काफ़ी, और कन्ने इसने पीछे के रखे हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग उतार करके दिखाते हैं कैसी है कैसी नहीं। और मंजा इसमें बेकार ही आया है, पूरा गीला हो रखा था मंजा, पूरा सिला सिला सा मंजा है। और यहाँ पे देखिए पतंग तो सही है, और मंजा यहाँ पे एकदम बेकार आया है। और सामने आप लोग देख सकते हैं कि अभी उड़ रही हैं दो तीन भी, और पीछे की तरफ भी उड़ रही हैं। आज हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन हो सकता है अंधेरा होते तक, शाम होते तक हवा बंद हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग लपेट रहे हैं मंजा, थोड़ा सा ही मंजा आया है पर बेकार है मंजा, मंजा हम लोग फेंक देंगे। और अब हम लोग पतंग को फिर से पार कर लेते हैं, और आप लोग को फिर लपेट करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए मंजा ब्राउन कलर का आया है, बेकार है। पतंग तो अच्छी है, और ये देखिए हमारे, देखिए मैं आप लोगों को दिखा दूँ एक बार, कन्नों से पूरी अटका करके लगी। देखिए यहाँ थोड़ी सी फट भी गई, और आप लोगों को पास करके दिखाता हूँ बीच में कि यहाँ देखिए ये दोनों इस तरीके से जुड़ी हुई थी, मतलब ये दोनों कन्ने आपस में जुड़ गए थे, तो यूँ लपेट करके लाई है पतंग। तो चलिए अब बढ़ाते हैं हम लोग अपनी, और यहाँ पर देखिए हमने अपनी पतंग कर ली है पार, ये आप लोग देख सकते हैं। और अभी पीछे से कट करके आ रही है, देखते हैं लपेट पाते हैं नहीं। डोर तो है काफ़ी पर ऊँची ज़्यादा है, तो हम लोग ने भी देखे पूरी खड़ी कर रखी है,
हो सकता है ना ये पतंग, क्योंकि डोर है ज़्यादा पर पतंग ऊंची काफ़ी है। वो देखिए ये गए हम लोग लपेट रहे हैं, देखिए देखिए हमारे ऊपर से भी एक आया था लपेटने, उसको भी नहीं मिली, हमको भी नहीं मिली। और देखिए आगे की तरफ जो उड़ी है, मेरे को लगता है ये लपेट लेगा, क्योंकि इसके घर तक पहुँचते पहुँचते डोर मिल जाएगी। और यहाँ देखिए ये पतंग तो निकल गई, देखते हैं अब कोई दूसरी लपेट पाते हैं नहीं। और यहाँ पे देखिए एक और पतंग कटी है, देखिए अरे अरे ये तो पूरी झप ही खा गई। ये दोस्तों आ सकती थी अगर ये झप ना खाती, ये झप खा करके पूरी नीचे गिर गई। देखिए हम लोग अभी भी गोल गोल घुमा रहे हैं कि हो सकता है उसकी डोर अटक जाए, लेकिन नहीं। और यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं गोल घूमती हुई हमारी पतंग के ऊपर इसने काटी। और देखिए ये पन्नी वाले ने फिर से उसके काट दी जिसके अभी हम लोग लपेट रहे थे। और ये अरे ये पन्नी वाला बीच में ले आया, नहीं तो हमारे में आ जाती है लिपट करके। और हल्की सी डोर अटकी थी लेकिन ये पन्नी वाला बीच में आ गया जिसने काटी थी, तो जिस वजह से ये निकल गई पतंग। तो ये देख सकते हैं हम लोग की पतंग गोल गोल घूम रही सामने राइट हैंड साइड पे। अगर ये पन्नी वाला ना आता ना तो हम लोग आराम से लपेट पाते, और लिपट गई थी, हल्की सी डोर अटक गई उसके में, डोर अटकी थी इस वजह से नहीं आई। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं अगली मज़ेदार वीडियो के साथ। ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट में आकर के ज़रूर बताना, वीडियो को कर देना लाइक शेयर कमेंट, और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मेरे चैनल का नाम है लकी सिंह भाटिया, तब तक के लिए बाय।